नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 फ्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। इस वक्त की बड़ी खबर, जनपद बहराइच से घर से शिव मंदिर के निकले युवक धुबियन पुरवा में आज मिली लाश। तो वही मृतक के भाई ने लगाया प्रेमिका के घर वालों पर हत्या का आरोप। जिस क्षेत्र में युवक की मिली लाश उसी क्षेत्र में तय हुई थी मृतक के शादी। तो मृतक के शादी एक साल पहले हुई थी तय, मगर किसी वजह से शादी टूटने के कगार पे थी। मृतक के भाई का आरोप है कि उसकी प्रेमिका और मेरे भाई करते आपस में मोबाइल से बातचीत। तो वही लड़की घर वालों को पसंद नहीं था दोनों का आपसी में बातचीत करना। मृतक के भाई ने लड़की के घर वालों के खिलाफ मटेरा थाने में तहरीर भी दी है। तो वही हत्या कर लाश को सड़क के किनारे फेंकने का गंभीर आरोप भी लगाया है। मृतक थाना रुपैदा क्षेत्र को रहने वाला विशाल कश्यप है। लाश को कब्जे में लेकर पुलिस ने भेजा पोस्टमार्टम के लिए और पूरी मामला की जांच में जुटी है पुलिस। देखिए खास रिपोर्ट सफी खान के साथ। मटेरा जा रहा हूँ, मटेरा आया, मटेरा में उसकी शादी तय हुई थी। मटेरा किसके यहाँ आया? मटेरा रमेश कुमार, रमेश कश्यप के यहाँ उसकी शादी तय हुई थी एक साल पहले। बहुत मोड़ विवाद, लड़का लड़की बात कर रहे थे, उसके बाद उनको आपत्ति, उनके परिवार में उनको आपत्ति थी। अनिल कुमार, रमेश, इनके बड़े, रमेश के बड़े दामाद को आपत्ति थी, इनकी बड़ी भाभी को आपत्ति थी, मंजू कश्यप, इन लोगों को सारी आपत्ति थी। उसके बाद सर कल जाने के बाद आज सुबह पता चलता है थाने से कि आपके भाई की डेड बॉडी यहाँ मिली है। इनकी उम्र क्या थी? इनकी उम्र 18 प्लस थी, मुझे कंफर्म नहीं आता। आप कितने भाई हैं? हम 5 भाई हैं टोटल। भाई कितने नंबर के थे? वो मुझसे छोटा था, दूसरे नंबर का भाई था मेरा। इस समय शादी टूट गई थी कि? इस समय मेरी एंगेजमेंट टूटी थी, इनकी टूटने की बात चल रही थी और इन लोगों को आपत्ति हो गई थी सबको। लड़का लड़की से बात हो रही थी क्या? करते थे, सब कुछ करते थे, कंटिन्यू बात होती थी। और घर वालों को कल उस लड़की के नंबर से मेरे पास अशब्द इमोट भी आए हैं व्हाट्सएप पे। उसके बाद मैंने फ़ोन करके पूछा भी इनके यहाँ, इन्होंने झूठ बोल दिया कि यहाँ कोई नहीं आया। शाम को भी मैंने फ़ोन किया था कल 5:24 पे, इन्होंने फ़ोन उठाया, रिसीव किया, बोला मैं जा रहा हूँ भौखारा इटापात, ने फ़ोन काट दिया इतना कह के। ना